Dear students, welcome back. Third और concluding part comparative party politics में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग basically देखेंगे कि कैसे पूरी दुनिया में पार्टी सिस्टम का उदय हुआ है, particularly यूनाइटेड किंगडम में और यूरोप, जो सबसे पुरानी पार्टी सिस्टम जहां डेवलप हुई है 350 सालों में, और फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वो भी काफी पुरानी है, और फिर हम लोग देखेंगे कि न्यूली जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, जो उसको बोलते हैं न्यू पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, और फिर पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट में, जो अभी दोनों ही ट्रांजिशन में कहे जा सकते हैं, वहां पे पार्टी सिस्टम का इवोल्यूशन कैसा हुआ है। सो लेट अस बिगिन ऑल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस पिक अप द थ्रेड। ये हमने दो पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया। पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन जो बेस्ट दी जा सकती है वो ये है कि ए ग्रुप ऑफ पर्संस ऑर्गेनाइज्ड टू एक्वायर एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। यहाँ आप ध्यान दें कि इसमें आइडियोलॉजी या डॉक्ट्राइन या किसी पर्टिकुलर क्लास या सेक्शन के इंटरेस्ट को फर्दर करने की बात नहीं है। इतनी सी केवल बात है कि कुछ लोग जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, इट इज नॉट अमॉर्फस, ऐसे बिखरे हुए नहीं है जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वैसा उनका रूप है, और उनका जो सोल एम है वो है पॉलिटिकल पावर को एक्वायर करना और एक्सरसाइज करना, चाहे वो गवर्नमेंट में रह के करें या अपोजिशन में। सो दिस इज पॉलिटिकल पार्टी। हम लोगों ने ये भी देखा कि पॉलिटिकल पार्टी को कई तरीकों से विभाजित किया सकता है, कैटेगराइज किया सकता है। सबसे जो प्रोमिनेंट वे है वो है एक आइडियोलॉजिकल फैमिली में डिवाइड करना, लेफ्ट वर्सेज राइट। लेफ्ट और राइट का मायने बहुत सीधा नहीं है, सोशल और इकोनॉमिक फ्रंट में अलग अलग विचार रखते हैं लेफ्ट और राइट के लोग। कोई पार्टी सोशियली लेफ्ट हो सकती है और इकोनॉमिकली राइट एक ही साथ हो सकती है, बट जनरली कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी या ग्रीन पार्टी ये सब लेफ्ट में है, और जो कंजर्वेटिव पार्टी हैं या नेशनलिस्ट पार्टी हैं या फासिस्ट हैं, वो सब राइट में रखे जा सकते हैं स्पेक्ट्रम में, राइट और लेफ्ट के स्पेक्ट्रम में, और बीच बीच में जो है वो लिबरल सेंटर टू लेफ्ट में, और जैसे कंजर्वेटिव पार्टी हैं या क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी है वो सेंटर टू राइट में रखे जा सकते हैं। यदि हम इंडिया में देखें तो लेफ्ट राइट में बहुत ज्यादा पार्टी का ऐसा विभाजन नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में डेफिनेटली लेफ्ट है, कांग्रेस जो है सेंटर टू लेफ्ट कही जा सकती है, और बीजेपी सेंटर टू राइट कही जा सकती है। कैडर, मास बेस्ड और कैच ऑल और कार्टल, ये चार पार्टी का जो विभाजन है वो किस बेसिस पे है कि पार्टी का उदय कैसे होता है, मतलब इवॉल्व कैसे की है, उसके जो मेंबरशिप की बेसिस क्या है, और उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। कैडर पार्टी हम लोगों ने देखा कि वो एक इलिटिस्ट पार्टी है जिसके दरवाजे सबके लिए खुले नहीं होते थे। वो शुरू शुरू में जब पार्टी डेवलप हुई थी व्हिग एंड टोरी या फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट अमेरिका में, तो वो लोग कैडर पार्टी जैसे थे। मास पार्टी जो है 20th सेंचुरी की बात है, जबकि वर्कर्स को फ्रेंचाइज मिला तो मास पार्टी बनी, क्योंकि उसके पहले तो केवल प्रॉपर्टी क्लास को ही वोट देने का अधिकार था, तो जो इलीट पार्टी थी वो उनके लिए सही था। पहली जो मास पार्टी थी वो सोशलिस्ट पार्टी थी, उन्होंने लाखों करोड़ों की संख्या में मेंबरशिप ड्राइव चलाया, लेबरर और वर्कर्स उसके मेंबर बने। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद सोशलिस्ट पार्टी से अलग हो गई, तो वो भी एक मास पार्टी के रूप में आई। मॉडर्न जमाने में सभी पार्टी लगभग कैच ऑल पार्टी में बदल चुके हैं, जिनका सोल एम जो है वो पावर एक्वायर करना होता है। आइडियोलॉजी से थोड़े वो अलग हो चुके होते हैं, प्रैग्मेटिक हो जाते हैं। और कार्टल पार्टी एक नई टाइप की फिनोमेना है, बहुत लोग विवाद करते हैं कि ऐसा है भी कि नहीं, जहां पार्टी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जैसे बिहेव करती है, जैसे कोका कोला पेप्सी आपस में जो है वो कार्टल बनाते हैं, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट उनकी होती है। एक ही प्रोफेशनल कई पार्टी में भाग ले सकता है, उसके इलेक्शन स्ट्रेटजी बना सकता है, और ऐसी पार्टी जो है वो सरकार से काफी जो है फायदे लेने की कोशिश करती रहती है। एक तरह से वो पार्टी पॉलिटिक्स के बिजनेस में या प्रोफेशन में अपने को मानती है। पार्टी सिस्टम हम लोगों ने देखा कि इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द नंबर ऑफ पार्टीज विद इन ए पॉलिटिकल सिस्टम ड्यूरिंग ए गिवन टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट है कितनी पार्टी एक पॉलिटिकल सिस्टम में है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उनका आइडियोलॉजी कैसा है, आइडियोलॉजिकल सेपरेशन कैसा है,
उनका रिलेटिव साइजेस कैसा है, क्या सभी पार्टी एक ही लगभग साइज स्ट्रेंथ के हैं या कोई बहुत बड़ा छोटा है, उनके बीच में कोऑपरेशन और कंपटीशन कैसा होता है, इन सब के बेसिस पे डुवर्जर ने ये कहा कि सिंगल पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम हम देख सकते हैं। इसके मायने ये नहीं होते हैं कि सिंगल पार्टी में एक पार्टी है और टू पार्टी में दो पार्टी, इसका बिल्कुल ये मायने नहीं है। इसका मायने ये है कि कितनी पार्टी है जिसको रियलिस्टिकली इलेक्ट्रली पावर एक्वायर करने का रियल चांस है किसी पॉलिटिकल सिस्टम में, उस बेसिस पे हम सिंगल टू पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम डिफाइन करते हैं। ये हम लोगों ने देखा, सार्टोरी ने उसमें और विभाजन किया सिंगल टू मल्टी पार्टी में, ये कहते हुए कि आइडियोलॉजिकल सेपरेशन ऐसा हो सकता है कि उसको हम मॉडरेट प्लुरिज्म बोलें, जहां पे कि बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड आइडियोलॉजी नहीं है, सभी सेंटर के तरफ जो है झुके चले जाते हैं और कोलिशन बना सकते हैं। उसके डिफरेंट उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी सिस्टम होती है जहां बहुत ज्यादा पोलराइज्ड होते हैं आइडियोलॉजी, वहां पोलराइज्ड प्लुरिज्म होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, कोलिशन बनना मुश्किल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पार्टी ड्रिवन होते हैं, सभी एक दूसरे से दूर जाते हैं, और ऐसे सिस्टम में कुछ पार्टी एंटी सिस्टम होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो किसी भी अलायंस में आना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। इस बेसिस पे उन्होंने मॉडरेट एंड पोलराइज्ड प्लुरिज्म की बात की, और इसका सबसे एक्सट्रीम जो फॉर्म है वो फ्रैगमेंटेशन या फ्रैगमेंटेड पार्टी सिस्टम है, जिसको उन्होंने एटोमाइज्ड पार्टी सिस्टम भी बोला कि हर पार्टी एक एटम जैसी हो जाती है। हम लोगों ने ये भी देखा कि पार्टी सिस्टम को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें सबसे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो इलेक्टोरल रूल है, डुवर्जर लॉ वहां लगता है, जिन्होंने कहा फर्स्ट पास द पोस्ट में टू पार्टी सिस्टम डेवलप कर जाती है इन लॉन्ग रन, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मल्टी पार्टी सिस्टम, ये डुवर्जर लॉ है। इसके बाद नेचर ऑफ द सोशल क्लीवेज जो हम लोग आगे भी देखेंगे, रोकन एंड लिप्सेट ने 1967 में दिया, उन्होंने कहा समाज में कुछ दरारें होती है जिसके इर्द गिर्द डिस्प्यूट डेवलप होती है, फैक्शंस डेवलप होते हैं और वही जो है पार्टी में बदल जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, वो भी डिसाइड करता है पार्टी सिस्टम को, जैसे कि यदि फेडरल या यूनिटरी हो या प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, तो इससे बहुत अलग अलग पार्टी सिस्टम डेवलप होते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूएसए जो प्रेसिडेंशियल है और यूके जो प्राइम मिनिस्ट्रियल पार्टी सिस्टम वहां देखने को मिलता है। समय जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे जैसे पार्टी सिस्टम मेच्योर होती है, स्टेबल होती है, वैसे वैसे रियल उसका ट्रू फॉर्म आता है। कोई भी पार्टी सिस्टम जब तक 20-30 साल एक जैसा ना हो, हम नहीं कह सकते कि वो ऐसा पार्टी सिस्टम है। इसीलिए जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है या पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट है, उसमें ये कहना अभी सही नहीं होगा कि यहाँ कैसी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि ये सब अभी बहुत ही न्यू स्टेट, अभी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट है, यहाँ उतना समय नहीं मिला है। और सबसे ज्यादा जो फैक्टर इम्पॉर्टेंट है वो ये सब ना होकर के लार्जर सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, समाज की कैसी ट्रेडिशन है, कैसे उनका जो एक ट्रेंड रहा है समाज का, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, वो लार्जर माइक्रो जिसको आप कह सकते हैं, मेजर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, और कोई मेजर इवेंट यदि होती है जैसे कि 9/11 या अभी हम लोग पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, ये सब भी जो है पार्टी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। सो ये सब हम लोगों ने दो वीडियो में जो है करीब 40-40 मिनट के वीडियो में देखा है, जिसको मैंने सम अप करने की कोशिश की है 7-8 मिनट में। Now let us move ahead. आज हम लोग देखेंगे evolution of party system. सबसे पहले जो है social cleavage theory, जो एक आधार है कि party system कैसे जो है इस एक समाज में जो दरार होती है उसके इर्द गिर्द कैसे faction develop होता है और कैसे बाद में पार्टी में बदल जाती है, ये theory जो है Steen Rocken और Martin Lipset 1967 में दिया था। ऑफकोर्स ये वेस्टर्न समाज और पॉलिटिकल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा फिट बैठता है। उन्होंने कहा कि डिविजन्स विद इन सोसाइटी दैट गेव राइज टू पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप समझ लीजिए क्लीके, कोटरी, फैक्शंस जो बाद में पार्टी में बदल जाते हैं। ये एक तरह का सोसाइटल फॉल्ट लाइन है अराउंड विच वोटर्स आर मोबिलाइज्ड इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। वेस्टर्न सोसाइटी में उन्होंने कहा, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, कि चर्च वर्सेज स्टेट ये बन जाती है, ओनर वर्सेस वर्कर, ओनर वर्सेस वर्कर मतलब फैक्ट्री के ओनर या जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर, फैक्ट्री ओनर जिसको आप कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं और जो वेज लेबर अपना सेल करते हैं, उन दोनों के बीच में खाई बनती है, इसको क्लास आप खाई भी कह सकते हैं,
प्रोलेटेरिएट एक तरफ वर्कर हो गए और बोर्जुआजी जो कैपिटल ओनर हो गए। चर्च वर्सेस स्टेट का मतलब ये होता है कि एक तरफ जो है वो सेकुलर इस राजकाज है और दूसरी तरफ जो है वो स्पिरिचुअलिटी रिलीजन के बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो चर्च मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में से उभरता है वो है, जिसको पोपडम वहाँ क्रिश्चियनिटी में कहते हैं। अर्बन वर्सेज रूरल भी उनका कहना था कि बहुत बड़ा एक सोशल क्लीवेज है, अर्बन एरियाज की जो प्रॉब्लम है पॉलिटिकल वो क्या होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जो वर्कर्स हैं उनकी समस्या होगी, उनके हाउसिंग की, उनके अदर जो अर्बन समस्याएं हैं उसको उठाया जाएगा, जबकि रूरल एरियाज में एग्रेरियन एग्रीकल्चर इरिगेशन इन सब की इशू जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो अर्बन वर्सेज रूरल, फाइनल उन्होंने बोला कि सेंटर वर्सेज पेरीफेरी, सेंटर मतलब मेन स्ट्रीम जिसको आप कह सकते हैं मेजर कल्चर कह सकते हैं, पेरीफेरी जो माइनर कल्चर जो रीजन की कल्चर है लैंग्वेज है। इंडिया में भी इस बेसिस पे रीजनल पार्टी बने हैं और सेंटर में जो है नेशनल पार्टीज, लेकिन पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में ऐसा देखा गया है कि इन क्लीवेजेस के अनुसार के अलावा कास्ट रिलीजन लैंग्वेज एथनिसिटी रीजनल एस्पिरेशंस ये भी सोशल क्लीवेजेस का काम करते हैं जो वेस्टर्न सोसाइटी में नहीं है। यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि क्लीवेजेज जो हैं वो चेंज कर सकते हैं समय के साथ, कुछ क्लीवेजेज अपना रिलीवेंस लूज कर सकते हैं और हर सोसाइटी में अलग अलग तरह के सोशल क्लीवेजेज हो सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यूरोप, सबसे पहले मैं यूरोप ले रहा हूं दो स्लाइड में, कि वहां पार्टी सिस्टम का उदय या अभ्युदय या इवोल्यूशन कैसे हुआ है। कहानी शुरू होती है 17th-18th सेंचुरी से। इनफैक्ट इंग्लैंड में 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद से ही पार्टी सिस्टम एक तरह से क्रिस्टलाइज हो जाता है। उस समय में दो फैक्शंस वहां पे थे, उसको पार्टी कहना तो गलत होगा, एक टोरी कहलाते थे दूसरे विग। टोरीज वो थे जो राजा को डिवाइन पावर डिवाइन रूल के द्वारा राज करने को एक्सेप्ट करते थे और रॉयलिस्ट उनको सपोर्ट करते थे। अधिकतर जो लैंडलॉर्ड थे, जो फेडल लॉर्ड्स थे, जो जमींदार कह सकते हैं लैंडेड जेंट्री, वो उनका सपोर्ट सिस्टम होता था। विग्स उसके अपोजिशन में पार्लियामेंटेरियंस के सपोर्ट से चलते थे। उनका मानना था कि राजा को कोई दैविक अधिकार नहीं है राज करने का। उनका सपोर्ट जो है वेल्दी मर्चेंट्स, न्यूली जो कैपिटलिस्ट क्लास बन रहा था बोर्जुआजीज, मिडिल क्लास, प्रोफेशनल्स और जो इस तरह के एरिस्टोक्रेट थे जो अर्बन एरिया में रहते थे उनसे सपोर्ट मिलता था। तो ऐसे जो है टोरीज और विग्स जो है नोटेबल्स जो बड़े सम्मानित व्यक्ति होते थे उसके इर्द गिर्द एक क्लिके या कोटरी के फॉर्म में फैक्शंस के रूप में डेवलप हुआ। ये पार्टी उस समय में नहीं था, बाद में चल करके ये जो है कई 50-100 सालों के बाद ये एक पार्टी के फॉर्म में सामने आया और फिर बहुत सारे टूट फूट के बाद 18th-19th सेंचुरी में बहुत सारे मतलब विग्स का एक पार्ट टूट के टोरी में मिल गया और इस तरह से चीजें हो करके जो टोरीज हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी कहलाने लगे, जो आज की यूके की कंजर्वेटिव पार्टी है, जो अभी भी माना जाता है कि वो लैंडेड एरिस्टोक्रेट को मतलब एक मेन उनका सपोर्ट है। और विग्स जो है वो लिबरल पार्टी बने जो बोर्जुआजीज इलीट्स उनका बेस है। वैसे ये कहना बहुत गलत है, इनकी आइडियोलॉजी से बहुत कम और बेस भी इनका बदलते चले गया है। ये एक तरह के कैडर, विग्स और टोरी दोनों एक कैडर पार्टी थे, इलिटिस्ट पार्टी थे। इनके मेंबरशिप केवल प्रॉपर्टीड क्लास के लिए खुले थे। उस समय में ये कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि फ्रेंचाइज ही लिमिटेड था। लेकिन 20th सेंचुरी आता है, मैंने आपको बताया वहां पे वर्कर्स जो है लाखों के नंबर में उनको फ्रेंचाइज एक्सटेंड होता है और यहाँ जन्म होता है सोशलिस्ट पार्टी का यूरोप में। वो पहली मास पार्टी बन जाती है जिसके दरवाजे जो है सबके लिए वर्कर्स के लिए ओपन हो जाते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट जो है बेस एक तरह से वर्कर और लेबरर में ही लिमिटेड रहता है। इसी समय में एग्रेरियन पार्टी का जन्म होता है नॉर्डिक कंट्री में, स्कैंडिनेवियन कंट्री आप कह सकते हैं, जो गांव की और रूरल समस्याओं को उठाने के लिए बनती है, वो अभी भी बहुत पॉपुलर है। 1917 में रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है, यूएसएसआर का गठन होता है और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सोशलिस्ट पार्टी से अलग हो जाती है। वो भी एक जो है कैडर बेस्ड आइडियोलॉजिकल पार्टी कहलाती है। यहाँ जो कैडर का अर्थ है वो टोरी और विग्स जैसे जो कैडर पार्टी है उससे अलग है। दोनों इंग्लिश का वर्ड सेम है लेकिन यहाँ कैडर का मतलब है कि जहाँ पे कमिटेड मेंबरशिप है, जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं उसको कैडर बोलते हैं। इंडिया में भी बीजेपी भी अपने को कैडर बेस्ड पार्टी कहलाना पसंद करती है। इंटर वॉर पीरियड में
1918 से 1939 के बीच में फासिस्ट पार्टी का उदय होता है यूरोप में, सबसे पहले इटली में, फिर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और कई पार्ट में दुनिया में फासिस्ट पार्टी पॉपुलर हो जाती है। वो पार्टी का जो जो बेसिक आइडियोलॉजी था, ये भी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी थी, वो एक्सट्रीम मिलिटेंट नेशनलिज्म था। रेस हमारा प्योर होना चाहिए, हमारा कौम जो है सबसे अच्छा है और हम सबसे ऊपर दुनिया में बढ़ चढ़ के रहेंगे, ये उनका जो एक आइडियोलॉजी था जो उस समय में पॉपुलर हुई। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में जो विभीषिका हुई और जिसके लिए कि हिटलर और मुसोलिनी को जिम्मेदार ठहराया गया और फासिज्म की जो आइडियोलॉजी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, और जिस तरह से ज्यूज का नरसंहार हुआ कि फासिस्ट पार्टी फिर कभी पनप नहीं पाई, उसको एक गलत मीनिंग में, निगेटिव कनोटेशन में लिया जाने लगा और आज तक फिर कभी वो पार्टी आगे नहीं आई। तो इस तरह से इस स्लाइड में आप देखेंगे कि कैसे आपने देखा कि मेनलैंड यूरोप में पहले लिबरल पार्टी जो बॉर्जोजी इलीट को रिप्रेजेंट करती है वर्सेस कंजर्वेटिव जो लैंडेड एरिस्टोक्रेट को करती है, उसका उदय हुआ। फिर सोशलिस्ट पार्टी, पहली मास बेस्ड पार्टी आई, एग्रेरियन पार्टी आई, फिर कम्युनिस्ट पार्टी सोशलिस्ट से अलग होगी, एक कैडर बेस्ड आइडियोलॉजिकल पार्टी, ये भी मास पार्टी थी, और फिर फासिस्ट पार्टी। अब यदि हम देखें कि यूरोप में आगे क्या होता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू में, आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद फासिस्ट पार्टी खत्म हो गई, अब एक नई पार्टी का जन्म होता है, नई कैटेगरी ऑफ पार्टी, वो है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीज। ये क्या थे कि जो चर्च और स्टेट का जो सोशल क्लीवेज था उसको पाटने की कोशिश थी। जैसे गांधी जी ने भी कहा था कि धर्म का जो मोरल पार्ट है उसको पॉलिटिक्स में लाने पे पॉलिटिक्स में भी मॉरलिटी, इथिक्स आएगी, उसी को क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी करने की कोशिश करती है। वो सोशल फील्ड में थोड़ी कंजर्वेटिव होती है लेकिन इकोनॉमी में जस्ट लाइक एनी लिबरल पार्टी काफी लिबरल होती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा देती है। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है सोशल कंजर्वेटिज्म का और इकोनॉमिक लिबरलिज्म का, ये यूरोप को बहुत पसंद आया और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी, नीदरलैंड और कई कंट्री में, इटली, इन सब में सबसे प्रोमिनेंट पार्टी बनकर के उभर के आई है अभी। मतलब कंजर्वेटिव पार्टी यदि आप यूरोप में देखें तो वो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे ज्यादा लीड करती है। 1960 के दौरान जो है रीजनल पार्टी का उदय होता है यूरोप में, जैसे कि यूके में स्कॉटिश नेशनल पार्टी, आयरिश नेशनलिस्ट पार्टी, बास्क पार्टी, स्पेन में, जैसे इंडिया में भी अब 20 साल बाद ऐसा होता है 80s में। 1970 के दौरान में इन्वायरमेंटल ग्रीन पार्टीज का जन्म होता है। ये पार्टी कैसे इवॉल्व करती हैं, क्योंकि उस समय तक अब इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन, न्यूक्लियर पावर के चलते विनाश की जो आशंका और एनिमल राइट्स, इन सब जो बहुत इथिकल और बहुत ज्वलंत जो वर्ल्ड की समस्याएं हैं उसको सोचने वाले जो यंग एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर्स हैं, वो सब ने मिलकर के ग्रीन पार्टी को सपोर्ट किया, एक इंटेलेक्चुअल लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी जिसको उन्होंने कहा न्यू लेफ्ट। और उसके रिएक्शन में जो है न्यू राइट पार्टी का उदय हुआ यूरोप में, जो कि लॉ एंड ऑर्डर, पैट्रियोटिज्म और पर्सनल मोरलिटी इश्यूज को लेकर के सामने आए। बाद में न्यू राइट पार्टी जो है लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में बहुत सारे उसमें से नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में उदय हुआ, जो नेशनल प्राइड, कल्चरल कंटिन्यूटी, सोशल कंजर्वेटिज्म और स्टेट का बहुत ज्यादा रोल वेलफेयर में, और लेकिन इकोनॉमी में फ्री मार्केट इकोनॉमी रहना, इन सब को मिला के नेशनलिस्ट पार्टी भी काफी पॉपुलर यूरोप में हो गई, जो कि कहती है कि सन ऑफ द सॉइल फीलिंग होनी चाहिए, इमिग्रेशन को रोक देंगे हम, माइग्रेंट को नहीं आने देंगे, हमारे यहाँ जॉब जो है अपने कंट्री के, जैसे अमेरिका फर्स्ट ट्रम्प बोलते हैं, वो भी नेशनलिज्म टाइप की बातें हैं, तो स्वदेशी को अपनाएंगे, ये सब जो फीलिंग करते हुए वो भी पार्टी काफी पॉपुलर हुई। तो इस स्लाइड में आपने क्या देखा, उधर आपने चार पांच तरह की पार्टी देखी थी, यहाँ पे क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, फिर रीजनल पार्टी जैसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी, इन्वायरमेंटल ग्रीन पार्टी, न्यू लेफ्ट, न्यू राइट और नेशनलिस्ट पार्टी। तो 8-9 कैटेगरी में आप यूरोप के सारे पार्टियों को बांट सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि उनका उदय किस किस तरह से हुआ है। यदि हम पार्टी सिस्टम यूरोप में उसके कुछ फीचर्स को देखने की कोशिश करें तो आपने ये पाया होगा कि मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीज, जो मैंने आपको बताया जो लिबरलिज्म और कंजर्वेटिविज्म का एक संगम है, वो एक मेन पार्टी उभरती है और उसके कंपटीशन में सोशलिस्ट पार्टी जो कई नाम से पाए जाते हैं, यूके में लेबर पार्टी है और जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट्स है, कई जगह वो सोशल डेमोक्रेट कहलाते हैं,
ये तो दो मेन पार्टी हो गए हैं। लिबरल जो है वो एक थर्ड पार्टी बन के रह गई है, कई जगह लिबरल डेमोक्रेट कहलाते हैं। इसके अलावा ग्रीन पार्टी, एग्रेरियन पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी और बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट पार्टी भी जो है वो छोटे छोटे पार्टी के रूप में पाए जाते हैं यूरोप में। लेकिन जो मेन जो कंपिटिशन है वो है क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टीज और सोशल डेमोक्रेट पार्टीज के बीच में। देन मल्टी पार्टी सिस्टम इज मोर प्रिवेलेंट। यूके को केवल छोड़ दें तो वहां पे टू पार्टी सिस्टम है, बाकी हर जगह पे लगभग मल्टी पार्टी सिस्टम है क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। और दिस सार्टोरी के कैटेगराइजेशन में देखें तो अधिकतर जगह पे मॉडरेट प्लुरिज्म है। वैसे फ्रांस इटली में तो एक समय में पोलराइज प्लुरिज्म था, लेकिन 90s के बाद वहां पे 5-6 पार्टी स्टेबल हो गई है, तो अब वहां भी मॉडरेट प्लुरिज्म कहा जाता है। इसके अलावा स्पेन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्डिक कंट्री और सारे जर्मनी में सब जगह मॉडरेट प्लुरिज्म आप कह सकते हैं। यूके ये बताता है कि जहां पे पार्लियामेंट्री पार्टी सिस्टम है वहां पे पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टाइट होती है, कंट्रोल एंड कमांड हायरार्की बहुत वेल डिफाइंड होता है और पार्टी में डिसिप्लिन ज्यादा होती है। उसका कारण आप समझ सकते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट को मेजोरिटी में लगातार रहना पड़ता है, नहीं तो गवर्नमेंट फेल कर जाती है। इसके लिए कभी भी वोट देने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए पार्टी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके डिफरेंट यदि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के मेजोरिटी पे उसका रहना निर्भर नहीं करता है, गवर्नमेंट नहीं गिरती है, इसलिए वहां पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी डिसिप्लिन लूज हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल अमेरिका है। फाइनली यदि हम इसके फीचर देखें तो वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहाँ कोलिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलिशन जो है वो कॉन्सेंसुअल पॉलिटिक्स को जन्म देता है, मतलब सब मिलजुल के बहुत ज्यादा कन्फ्रंटस लड़ाई झगड़ा या कम्पिटिटिव पार्टी पॉलिटिक्स डेवलप नहीं होती है। और जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। दो टाइप का कोलिशन यूरोप में दिखता है, एक है बाइपोलर, दूसरा है सेंट्रिस्ट। बाइपोलर में क्या होता है, आप लेफ्ट राइट आइडियोलॉजी के स्पेक्ट्रम को याद कीजिए। बाइपोलर में होता क्या है कि दो मेन पोल बन जाते हैं कोलिशन के, जो सेंटर लेफ्ट जो पार्टी हो मेजर पार्टी होती है वो कई स्मॉलर पार्टी जो लेफ्ट ऑन द स्पेक्ट्रम है उसके साथ मिलकर के एक सेंटर टू लेफ्ट या लेफ्ट कोलिशन बनाती है। इसी तरह सेंटर राइट जो मेजर पार्टी होती है वो स्मॉलर राइट पार्टी को मिल लेकर के सेंटर राइट एंड राइट कोलिशन बनाती है। ये दो कोलिशन अल्टरनेट वे में जो है सरकार चलाती है। सेंट्रिस्ट कोलिशन एक बहुत अलग तरह का है, जहाँ की ये दोनों मेजर पार्टी जो सेंटर राइट और सेंटर लेफ्ट है वही आपस में मिल जाते हैं और वो जो लेफ्ट और राइट में जो स्मॉलर पार्टी है उसको छोड़ देते हैं। ऐसा जर्मनी का जब हिटलर के पहले वहां वेमार रिपब्लिक जो था उसमें जो रूप था ऐसा देखने को मिलता है अधिकतर, लेकिन अभी यूरोप में बाइपोलर कोलिशन ही दिखता है। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन यूरोप। यदि अमेरिका की, अब हम यूएसए खास करके यदि हम पार्टी सिस्टम देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे तो केवल दो ही पार्टी हैं जिसको अभी हम रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट कहते हैं, लेकिन इसका उदय कैसे हुआ है और कैसे रिपब्लिकन डेमोक्रेट का ही सपोर्ट बेस और थोड़ी बहुत उनकी जो पब्लिक पॉलिसी जो प्रिफरेंस है वो बदलती रही, उसके बेसिस पे अमेरिका में 6 पार्टी सिस्टम जो है लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्टी सिस्टम है वो 1790 के दशक में शुरू होती है, जब अमेरिका में 1788 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहां पे 2 फैक्शंस हो गए। इस आधार पे डिस्प्यूट हुआ उनमें कि क्या सेंटर मजबूत होना चाहिए या स्टेट मजबूत होना चाहिए। जिन्होंने कहा कि सेंटर बहुत मजबूत होना चाहिए और नया कॉन्स्टिट्यूशन बिना किसी ज्यादा नागरिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट के लागू होना चाहिए, उनको फेडरलिस्ट कहा गया, जिसमें कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो प्रोमिनेंट सपोर्टर थे, और उसके जो अपोजिशन में आए जिसमें कि जेफरसन सबसे इंपॉर्टेंट थे उनको एंटी फेडरलिस्ट कहा गया, जो चाहते थे कि स्टेट को ज्यादा पावर मिले और जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू तभी हो जबकि फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन का गारंटीड हो। जो फेडरलिस्ट थे वो ब्रिटेन के साथ मतलब यूके के साथ वो एक मधुर संबंध रखना चाहते थे, एंटी फेडरलिस्ट फ्रांस की तरफ देखते थे और इंग्लैंड से बिल्कुल कट करके एक अलग समाज की स्थापना करना चाहते थे। एंटी फेडरलिस्ट अपने को डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी कहते थे। बाद में जो है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी से कुछ टूट करके कुछ फेडरलिस्ट फैक्शन टूट करके और अदर ग्रुप मिलके विग्स पार्टी बनी 1830 के ईस्वी में, जो कि चली अगले 30 साल तक, इसको सेकेंड पार्टी सिस्टम बोलते हैं। अब जो है इंग्लैंड में जो विग्स पार्टी थी उसी नाम की आई, लेकिन यहाँ पे नाम से मत जाइए, यहाँ पे उसका जो आइडियोलॉजी है वो बहुत अलग है। और उसके अगेंस्ट में रही डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी, याद कीजिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी पहले एंटी फेडरलिस्ट पार्टी कहलाती थी। तो अब क्या 2 पार्टी हो गई सेकेंड पार्टी सिस्टम में, विग्स और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी।
1860 में एक बहुत मेजर घटना होती है, अमेरिका में सिविल वॉर होता है। वो इस इशू पे होता है कि जो साउदर्न स्टेट है, टेक्सास, वर्जीनिया, इन सब में वहां पे प्लांटेशन, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है ट्रॉपिकल जैसे, वहां पे प्लांटेशन की खेती होती थी बहुत लंबे लंबे फार्म में, और वहां लेबर जो है वो अफ्रीका से लाई गई थी वहां स्लेव के रूप में। तो स्लेवरी वहां प्रचलित थी, जो वाइट थे वो मास्टर थे, वो चाहते थे कि स्लेवरी चलता रहे। जो नॉर्दर्न स्टेट थे वो चाहते थे स्लेवरी खत्म हो जाए। इसके बेसिस पे अमेरिका में एक सिविल वॉर हो गया, साउदर्न स्टेट अलग होना चाहते थे। उस समय में जो विंग्स पार्टी थी वो टूट टाट करके एक रिपब्लिकन पार्टी बना, जिसके कि अब्राहम लिंकन जो है वो सबसे पॉपुलर लीडर बने। रिपब्लिकन पार्टी का बेस ही यही था कि हम स्लेवरी को खत्म करेंगे। इस आधार पे जो है रिपब्लिकन पार्टी ने पूरे कंट्री में सिविल वॉर को जीता, साउदर्न स्टेट को अलग नहीं होने दिया और बहुत पॉपुलर हो गए ब्लैक्स के बीच में और बहुत सारे लोगों के बीच में। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी जो कि स्लेवरी को सपोर्ट करती थी, जो कि वाइट लोग उसको नेचुरली सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो स्लेवरी को सपोर्ट कर रही है साउथ में, उन्होंने अपना नाम चेंज करके डेमोक्रेट पार्टी रख लिया। अब देखिए क्या हो गया, याद कीजिए कि एंटी फेडरलिस्ट पार्टी अपने को डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कहलाती थी, बाद में वो डेमोक्रेटिक पार्टी बदल गई और जो फेडरलिस्ट थे वो धीरे धीरे पहले विग्स बने और विग्स से वो रिपब्लिकन हो गए। कैसे नाम भी बदल गया। अब यहाँ पे आके रिपब्लिकन वर्सेज डेमोक्रेट हो जाते हैं। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट के फिर से जो है वोटर बेस जो है दो पार्टी सिस्टम में काफी बदलते हैं। फोर्थ पार्टी सिस्टम है प्रोग्रेसिव एरा, जिसमें कि फिर से जो है एक तरह का रीअलाइनमेंट होता है कि कौन सपोर्ट करेगा रिपब्लिकन को। अभी यहाँ पे रिपब्लिकन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, डेमोक्रेट बहुत कमजोर हो जाते हैं। इस पूरे प्रोग्रेसिव एरा में 1932 से पहले कह लीजिए अधिकतर समय में रिपब्लिकन का ही शासन रहा। 1932 में आपको पता है कि एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया यूरोप अमेरिका में, पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई। उससे बचाने के लिए अमेरिका को जो उसके प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वो न्यू डील लेकर के आए। न्यू डील मतलब क्या था, जैसे अभी मोदी जी जो है 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आए हैं, उसी तरह का न्यू डील था कि हम इस इकोनॉमी को उबारने के लिए सबको एम्प्लॉयमेंट देंगे, सबको भत्ता देंगे, बिल्डिंग बनेगी, सप्लाई डिमांड बढ़ेगी, सबके पॉकेट में पैसा होगा। तो वो इतना पॉपुलर हुआ कि डेमोक्रेटिक जो है उसको फिफ्थ पार्टी सिस्टम बोलते हैं, न्यू डील पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। अब क्या हुआ, डेमोक्रेटिक का पूरा जो है पॉपुलरिटी बढ़ गया। अब उसको लेबर भी पसंद करते थे, वर्कर क्लास भी पसंद करते थे, उसको बिजनेस क्लास भी पसंद करने लगे, उसको कई वाइट लोग भी सपोर्ट करने लगे, और पहले से जो लिबरल थे वो तो उसको सपोर्ट करते ही थे। तो इससे क्या हुआ, कई सालों तक जो है डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन रहा, ये फिफ्थ पार्टी सिस्टम थी। अब अभी जो है 1970 से लेकर आज तक जो है सिक्स्थ पार्टी सिस्टम कई लोग कहते हैं अमेरिका में चल रहा है। फिर से जो है वोटर रियलाइनमेंट हुआ है, कौन लोग सपोर्ट करते हैं रिपब्लिकन को, कौन करते हैं डेमोक्रेट को। अभी यदि देखा जाए तो रिपब्लिकन का मेन सपोर्ट आता है साउथ अमेरिका में, जहाँ पे कि रूरल और सब अर्बन एरियाज पूरे अमेरिका में, यदि आप देखिए कि मिडिल सेंट्रल जिसको बोलते हैं, जहाँ पे पहले फैक्ट्री होती थी, वहां पे जो वाइट वर्कर मेल होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग सपोर्ट करते हैं, और वेल्दी बिजनेसमैन भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि रिपब्लिकन कम टैक्स लगाना चाहती है इकोनॉमी में, वो फ्री मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा देती है। डेमोक्रेट को जो सपोर्ट है वो अफ्रीकन अमेरिकन से मिलता है, इमिग्रेंट से मिलता है, लैटिनो से मिलता है, हिस्पैनिश से मिलता है, क्योंकि ये इमिग्रेंट को सपोर्ट करते हैं जबकि रिपब्लिकन चाहती है कि इमिग्रेंट को हम रोक दें। और वाइट अर्बन प्रोग्रेसिव जो लोग हैं, जो अर्बन मिडिल अपर मिडिल क्लास या अब मिडिल क्लास है, जो लिबरल थिंकिंग में कि नहीं पूरी दुनिया ही कॉस्मोपॉलिटनिज्म है, सबको हमारे यहाँ रहने का अधिकार है, इस तरह का जो लिबरल थिंकिंग रखते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म, वो जो है डेमोक्रेट को सपोर्ट करते हैं। आप इस सपोर्ट बेस से देख सकते हैं कि क्यों ट्रंप जो है इतना पॉपुलर है जो रिपब्लिकन के हैं, और क्यों हिलरी क्लिंटन हार गई, क्योंकि सपोर्ट यदि देखेंगे तो रिपब्लिकन को ज्यादा लोगों का सपोर्ट है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है पार्टी सिस्टम अमेरिका में इतने सालों में, 200 साल से भी ज्यादा में वहां पे डेवलप हुई है। यदि इसके हम यूनिक फीचर समझने की कोशिश करें तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग है जो यूरोप से काफी अलग हैं। आपने ये देखा कि पहले तो कि जो आइडियोलॉजी है कोई फर्क नहीं है, लिबरल दोनों ही लिबरल हैं और दोनों ही कंजर्वेटिव हैं। यदि आप देखेंगे कि डेमोक्रेट तो उसमें भी एक कंजर्वेटिव फैक्शन होता है और एक लिबरल फैक्शन होता है। सेम जो है रिपब्लिकन में भी कई इशू पे, जैसे मान लीजिए एबॉर्शन का इशू है, तो आप देखेंगे कि जो लिबरल कंजर्वेटिव है और जो 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 कंजर्वेटिव रिपब्लिकन पार्टी में है, दोनों एक तरफ हो जाएंगे और दोनों के जो लिबरल फैक्शन है वो एक तरफ हो जाएंगे।
इस तरह से देखेंगे तो आइडियोलॉजी का कोई यहाँ पे मायने नहीं है, इसलिए इसको स्यूडो टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि कोई आइडियोलॉजिकल सेपरेशन दोनों पार्टी में नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट का बने रहना पार्लियामेंट, जो उसको कांग्रेस वहां कहते हैं, सीनेट और कांग्रेस, उस पर निर्भर नहीं करती है। इसके चलते वहां लूज पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी डिसिप्लिन बहुत लूज है, स्पेशली स्टेट और फेडरल लेवल पे तो कोई पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन नजर ही नहीं आता है। इनफैक्ट बहुत लोग कहते हैं कि जो चार साल जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बीच में, वहां कोई पार्टी सिस्टम नहीं होती है, बस लूज फैक्शंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। जैसे ही चुनाव जब आता है तो ये लूज फैक्शंस मिल उल करके, किसी तरह मिल करके दो धड़े में बच जाते हैं, एक को रिपब्लिकन कहते हैं, एक को डेमोक्रेट कहते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं कि वहां पे पार्टी सिस्टम नहीं है, 100 पार्टी सिस्टम, मतलब कि हर स्टेट, 50 स्टेट है, सब में दो दो जो है फैक्शंस हैं, उसको आप डेमोक्रेट या रिपब्लिकन कह सकते हैं। देन सोशलिस्ट पार्टी कभी वहां पे अमेरिका में थर्ड पार्टी नहीं बन पाई, जिस तरह से यूरोप में जो है वो सेकेंड बेस्ट पार्टी के रूप में सामने आई है। उसका एक कारण तो ये हो सकता है कि यहाँ वर्कर कभी उस टाइप का क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं कर पाए, यहाँ पे बहुत मोबाइल रहे, उनको बहुत फैसिलिटी मिली, तो उनकी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थी वो लिबरल, वो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ने उसको एस्पिरेशंस को हवा दे दिया या एक तरह से रास्ता दे दिया। इसके चलते वहां पे लेबर पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी का डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट कोई भी थर्ड पार्टी अमेरिका में डेवलप नहीं हो पाई, इस पर बहुत सारे रिसर्च होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ वहां पे। सो दीज आर द यूनिक फीचर्स ऑफ यूएसए पार्टी सिस्टम। यदि हम ये देखें कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में कैसे पार्टी सिस्टम का उदय हुआ, जिसमें इंडिया भी आती है, एशिया अफ्रीका के सारे कंट्री जो 50 से 70 के दशक में जो लोग न्यूली आजाद हुए कॉलोनी से, जो पहले जिसको कि हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट कह सकते हैं या न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन कह सकते हैं या थर्ड वर्ल्ड नेशन कह सकते हैं या डेवलपिंग कंट्री कह सकते हैं, यहाँ पे कैसे पार्टी का जन्म हुआ कि जब वहां नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो एक पार्टी जो है वो लीड करती थी लगभग हर कंट्री में, वही पार्टी जैसे इंडिया में कांग्रेस पार्टी, वही पार्टी वहां की मेन पार्टी बनी आजादी के बाद जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना और सबसे पहले सत्ता नेचुरली उस पार्टी ने संभाला, और वो करीब 2-3 इलेक्शन तक इंडिया में, जैसे 4 इलेक्शन तक जो है वो चलता रहा, वही पार्टी वहां पे सिंगल पार्टी डोमिनेंट रही, जबकि वहां सभी पार्टी को मौका था। बाद में जो है वहां पे सोशल क्लीवेज जो कि इथनिक थे, लैंग्वेज थे, कास्ट थे, उन सब के इर्द गिर्द जो है नई नई पार्टियों का उदय हुआ। जैसे इंडिया में भी आपने देखा कैसे सोशलिस्ट पार्टी और बैकवर्ड कास्ट के बेसिस पे, दलित और लैंग्वेज के बेसिस पे पार्टी का उदय हुआ। सोशल मैकेनिज्म और क्लीवेज जो है जो क्रिएट किया इन जगहों पे जो पार्टी सिस्टम को, वो डिफरेंट थे जो वेस्टर्न कंट्री में थे। ये पहले भी मैंने आपको बताया है, जैसे यहाँ कास्ट इंडिया में, लैंग्वेज इथनिसिटी अफ्रीका में, ये सब सोशल क्लीवेजेस थे जिसके अराउंड जो है पार्टी पॉलिटिक्स ग्रू इन दिस पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। एक बड़ी निगेटिव बात होती है 1950 और 60 में, अधिकतर जो ये सिंगल पार्टी डोमिनेंट जो गवर्नमेंट थी वो अथॉरिटेरियन या डिक्टेटरशिप हो जाती है। जो सबसे पॉपुलर लीडर होते हैं वो जो है डिक्टेटर बन जाते हैं। इस मायने में आप कह सकते हैं कि इंडिया एक एक्सेप्शन है, हमें धन्यवाद देना चाहिए अपनी डोमिनेंट लीडर, डोमिनेंट पार्टी को, उन्होंने यहाँ अथॉरिटेरियनिज्म नहीं आने दिया। अपने बगल के पड़ोसी राज्य में भी वही हुआ, वहां भी अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप हो गया और डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ऐसा जो है अगले लगभग 30 सालों तक चलता रहा। अधिकतर जो है अफ्रीकन एशियन नेशन जो है वो सिंगल पार्टी अथॉरिटेरियन स्टेट या डिक्टेटरशिप स्टेट में बदल गए। और ध्यान रखिए कि उसके जो डिक्टेटर थे वो थे जिन्होंने उनको आजादी दिलाया था, वो सबसे पॉपुलर लीडर थे, चाहे वो रॉबर्ट मुगाबे हो, चाहे वो नुकुरमा हो, चाहे सुहार्तो हो, इस तरह के जितने भी थे, चाहे जनरल इरशाद हो बांग्लादेश में, ये सारे लोग जो है वो पॉपुलर लीडर थे, लेकिन उन्होंने अपने को डिक्टेटर में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन एक दूसरे टाइप की भी सिंगल पार्टी डोमिनेंस रही जो भारत में हुई, जहां उसके अलावा जापान में ऐसा हुआ, मलेशिया और साउथ अफ्रीका में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ, जहां पे कि सिंगल पार्टी इलेक्शन में लगातार जीतती रही जबकि ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन था, किसी को रोक टोक नहीं थी, लेकिन जनता ने उसी पार्टी को भरोसा किया जिसपे उनको लगता था कि वो चला पाएगी और वही डोमिनेंट पार्टी थी जिन्होंने आजादी दिलाई थी। तो यहाँ पे एक अलग तरह का नॉन डिक्टेटरशिप डेमोक्रेटिक वे में सिंगल पार्टी डोमिनेंस रहा, जिसको हम लोगों ने कांग्रेस सिस्टम में भी देखा। फिर क्या हुआ, कोल्ड वॉर खत्म होता है 1990s में, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी आता है जो हटिंगटन कहते हैं, और कई जो ये एशिया अफ्रीका के डिक्टेटर जो सिंगल पार्टी डोमिनेशन होता है, वहां फिर मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम का
एक तरह से पुनर्स्थापना होती है, और अधिकतर जगह ये ब्लडलेस होता है, कोई इसके लिए रिवॉल्यूशन नहीं होता है। जो एक्सटर्नल प्रेशर माहौल ही ऐसा बदल जाता है इंटरनेशनल वर्ल्ड में आफ्टर पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की, उसके जो डिक्टेटर थे दे गेव वे टू मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी देमसेल्व्स, और इस तरह से घाना, मलेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगह पे आपने देखा कि कैसे मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक धीरे धीरे आती चली गई 1990 के बाद। तो दिस इज द वे पार्टी सिस्टम हैज इवॉल्व्ड इन पोस्ट कोलोनियल स्टेट। और ये बात ध्यान रखिए कि अभी भी ये ट्रांजिशन में, अभी इसमें काफी टाइम लगेगा इसके पहले कि हम ये देख पाए कि किस टाइप का पार्टी सिस्टम यहाँ बन रहा है। इसलिए यदि इसके फीचर को देखें पोस्ट कोलोनियल स्टेट में पार्टी सिस्टम के, तो पहला तो वही है जो मैंने पहले भी कहा कि स्टिल इमर्जिंग, अभी ये स्टेट ट्रांजिशन में है, कई पार्टी नई फॉर्म होती है, इलेक्शन टू इलेक्शन मर्ज होती हैं, एग्जिट होती हैं, एक्सटिंक्ट होती हैं, चली लुप्त हो जाती हैं, नई पार्टी आती हैं, तो इसलिए अभी ये ट्रांजिशन में है। मोस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टीज इमर्ज फ्रॉम नेशनल मूवमेंट, ये हम लोगों ने देखा, बाद में वो डिक्टेटरशिप का व्हीकल भी बन गई। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम रहा जब तक कि थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन नहीं आया 1990s में, उसके बाद मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो गई, और पार्टी ऑफ पॉपुलर करिस्मेटिक लीडर यहां देखने को मिलता है, मतलब एक करिस्मेटिक लीडर के इर्द गिर्द पार्टी बन जाती है। आपने देखा कि ऐसी पार्टी का बहुत लूज ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत लूज डिसिप्लिन भी होता है, और उनका कोई खास रोल होता नहीं है, मेनली वो एक साधन बन जाते हैं ऑथोरिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप का, वो सपोर्ट करते हैं एक सिंगल लीडर को कई सालों तक राज करने में। सोशलिज्म जो है वो डिक्लेयर्ड आइडियोलॉजी रहा इन सभी, मेजोरिटी ऑफ द पार्टी जो थर्ड वर्ल्ड में जो डोमिनेंट पार्टी रहे, चाहे वो कांग्रेस हो इंडिया में, चाहे वो घाना में जो पार्टी नुक्रुमा की थी, या डिफरेंट कंट्रीज में, उन सब का जो घोषित आइडियोलॉजी था वो सोशलिज्म था, कि हम समता लाएंगे, इक्वालिटी लाएंगे, अमीर गरीब में भेद कम करेंगे, लेकिन एक्चुअली जो उनका प्रैक्टिस था वो उसमें सोशलिज्म का कोई खास फुट नहीं था, दे वर वेरी वेरी प्रैग्मेटिक, जो जब समझ में आया वो उन्होंने किया। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन पोस्ट कोलोनियल स्टेट। फाइनली हम देखते हैं जो पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट है, जो जब रिवॉल्यूशन हुआ रसिया में बोल्शेविक, उसके बाद यूएसएसआर बना, यूएसएसआर ने एक तरह का सैटेलाइट स्टेट की स्थापना की, जो जितने ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट थे वो यूएसएसआर के तर्ज पे ही शासन वहां एक सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा होता था। तो समझिए कि ये पूरा जो ईस्टर्न यूरोप था वहां पे सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट रूल शुरू हो गया, चाइना में भी हुआ, क्यूबा में हुआ, कई अफ्रीकन कंट्री में भी उस समय में ऐसा हुआ, लाओ, कंबोडिया जिसको कहते हैं, और वियतनाम एंड नॉर्थ कोरिया में भी ऐसा हुआ। एक समय में कोल्ड वॉर के टाइम में लगभग 40% दुनिया जो है वो कम्युनिस्ट रूल टाइप की जैसे लगने लगी थी। आफ्टर फॉल ऑफ यूएसएसआर 1990s में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, ये सारे जो कम्युनिस्ट स्टेट थे दे अडॉप्टेड मल्टी पार्टी लिबरल डेमोक्रेसी, जैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री करते हैं वैसे उन्होंने अपनाया। इसको हुए हुए अभी देखिए बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं है, इसलिए ये भी जो है ट्रांजिशन में है पार्टी सिस्टम यहाँ पे। इन मेजोरिटी ऑफ दीज स्टेट कम्युनिस्ट पार्टीज वेयर बैंड, आप याद रखिए कि जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां केवल राज करने के लिए अधिकृत थी उसको वहां बैन कर दिया गया, लेकिन रसिया में इसको बैन नहीं किया गया, ध्यान रखिए। Party system is still evolving in these transitional state. In most of the post-communist state, moderate to polarized pluralism is visible in their party system. होता क्या है कि हर election to election वहाँ पे on an average लगभग 6 पार्टी, एक रिसर्च ने कहा है कि 6 पार्टी लगभग जो है एक इलेक्शन में नई पैदा हो जाती है, कई पार्टी विलुप्त हो जाती हैं, कई पार्टी मर्ज कर जाती हैं, टूट जाती हैं। तो अभी वहाँ पे एक तरह का फ्रेगमेंटेशन है पार्टी सिस्टम में, रसिया से लेकर के पोलैंड तक में देखिए तो बहुत ज्यादा पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ती हैं, रियलिस्टिकली चांस कुछ ही पार्टी को जो है सरकार बनाने की होती है। तो वहां पे प्लूरिज्म तो है, लेकिन सार्टोरी की नजर से देखें तो अधिकतर जगह मॉडरेट प्लूरिज्म है, कई जगह जो है फ्रेगमेंटेशन भी, इसलिए पोलराइज प्लूरिज्म भी है, लेकिन मॉडरेट प्लूरिज्म ज्यादा है। सो दीज आर द some of the features of post-communist state, जो कि जिसमें अभी इतना ध्यान रखिए examination में आप लिख सकते हैं कि अभी ये उभर ही रहा है, इतना ही बात है कि पहले वहाँ पे single party communist rule थी, अब वहाँ पे multi-party democracy है, बहुत ज़्यादा party fragmentation है, बहुत huge number of parties होते हैं, जो election to election जो है change होते रहते हैं, अभी stability उसमें नहीं आई है, और communist party को कई जो है eastern European country में ban कर दिया गया, रसिया में नहीं ban किया गया है। So students, thank you very much. These are some of the references, जिसको आप देख भी सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, और if you like this, please share
एंड ऑल्सो सब्सक्राइब बिकॉज ये हमें हेल्प करेगा पैशन को बनाए रखने में, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाने में नॉलेज को. एंड बी सेफ. थैंक यू. सी यू विथ नेक्स्ट वीडियो. बाय.